शुभ प्रभात विद्यार्थीगण, मैं पूजा जेपी इंटरनेशनल स्कूल की संस्कृत टीचर आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 8 में शुभाषितानी पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए, आज पहला क्लास है आप सबका, शुरू करते हैं। शुभाषितानी का मतलब होता है सुंदर वचन, शु का मतलब हुआ सुंदर अच्छा और भाषितानी का मतलब हुआ वचन। तो शुभाषितानी का मतलब हुआ सुंदर वचन। गुणां गेषु गुणां भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, शु स्वादु तोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रमाशाद्य भवन्त्य पेया। तो इसका शब्दार्थ है गुणा, गुणा मतलब बहुत सारे गुण, गुण केशु मतलब गुणियों में, भवन्ति मतलब होते हैं, निर्गुणम मतलब निर्गुण को, दोषा मतलब अवगुण, सुस्वादुताया मतलब होता है स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ, प्रभवन्ति मतलब निकलती हैं, आशाद्य मतलब पहुँच कर, नद्या मतलब नदियाँ, अपेया मतलब अपे। तो इसका शब्दार्थ सबसे पहले हम लोग देखेंगे और आप सबको उच्चारण भी करना है। अनव्यय का मतलब होता है इन सबको सुव्यवस्थित तरीके से लिखकर समझना। तो गुणा गुण गेशु गुणा भवंती ते निर्गुणम प्राप्य दोषा भवंती, सुस्वादु तोया नद्या प्रभवंती समुद्र आशाद्य अपेया भवंती। ये अनव्यय है, मतलब इसे और किस तरीके से लिखा जाता है। और सरलार्थ का मतलब आप सभी को अपनी मातृभाषा में समझाए गए हिंदी तरीके से। गुणवान व्यक्तियों में गुण गुण ही होते हैं, मतलब कि गुणवान व्यक्तियों में गुण ही गुण होते हैं, वे गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियां स्वादिष्ट जल से युक्त निकलती है सब, परंतु समुद्र में पहुंचकर पीने योग्य नहीं होती। यहाँ आप देख लें, गुण केशु का मतलब गुणियों में लिखा हुआ है, गुणा मतलब गुण, भवंती मतलब होते हैं, निर्गुण मतलब गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके, भवंती मतलब होते हैं, प्रभवंती मतलब बहती है, नद्या मतलब नदियां, समुद्र में आशा समुद्र प्लस आशा समुद्र आषाढ़ मतलब पहुँच कर, भवंत जोड़ अपेया, अपेया मतलब अपे। मतलब संस्कृत में आप लोग को ध्यान रखना है कि शब्दों को तोड़कर पढ़ना है और तोड़कर ही उसका शब्दार्थ निकलना है। तो अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आगे अगली क्लास में आपका नेक्स्ट पद्य होगा और आपको समझना होगा।